नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। जबलपुर के जनपद पंचायत शाहपुरा बिटोनी में जनपद पंचायत के सामने बैठे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर मांगों को लेकर संयुक्त मोर्चा संगठन के कर्मचारियों और ग्राम पंचायत सचिवों सहित जो 22 जुलाई 2021 से 313 जनपद पंचायत और ग्रामीण विकास के कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल और वहीं धरना प्रदर्शन मध्य प्रदेश सरकार से मांग करते हुए सभी जिसमें कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए धरने पर बैठे हैं। वहीं जनपद पंचायत मुख्यालय में पंडाल लगाकर 17 संगठनों के सामूहिक संयुक्त मोर्चे के धरना आंदोलन में सम्मिलित होकर कलमबंद अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं और सरकार से मांग करते हुए नारेबाजी भी कर रहे हैं। महत्वपूर्ण मांग, ग्राम रोजगार सहायकों के लिए 5 जून 2018 को जारी नीति लागू करते हुए उन्हें पूर्णकालिक संविदा किया जाए, साथ ही वेतन विसंगति को दूर किया जाए। सचिवों को 1 अप्रैल 2008 छठवें वेतनमान का लाभ, लंबित अनुकंपा नियुक्ति, स्थायी पेंशन और पदोन्नति जैसी लंबित मांगों की पार्टी की जाए। संविदा कर्मचारी अधिकारियों को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 5 जून 2018 को जारी संविदा नीति के आधार पर लाभान्वित किया जाए। जिनकी सेवाकाल के दौरान मृत्यु हुई है उनके परिजनों को अनुकंपा आर्थिक सहायता और गुजारे भत्ते का प्रावधान किया जाए, जो कि शाहपुरा जनपद पंचायत के अंतर्गत 84 ग्राम पंचायत आती है, जो पूरे मध्य प्रदेश के 52 जिलों के 17 संगठन के साथ बैठे हैं धरने पर। अब देखना यह होगा कि न्याय के लिए सरकार कब जागती है। बताएं सर, यहाँ पर जो आप अनिश्चितकालीन धरना पर हम लोग सरकार के मध्य प्रदेश पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के समस्त कर्मचारीगण अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शासन से जो विगत वर्षों से हम लोगों को वेदना और चेतना की तरफ हम जा रहे हैं और विभिन्न मांगों को लेकर हम 22 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। यदि शासन हमारी इन मांगों का नियत समय पर सही रूप से समाधान नहीं करती तो ये हड़ताल जारी रहेगी और हम समस्त पंचायत सचिव, रोजगार सहायक साथी, मनरेगा कर्मचारी अधिकारी जिनके लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में संविलियन बहुत आवश्यक है, इनका नियमितीकरण होना चाहिए और हम सबके जो इंक्रीमेंट है ये सभी व्यवस्थित शासन के नियमानुसार लगना चाहिए जो विगत वर्षों से हम लोगों को प्राप्त नहीं हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम सब आंदोलनरत हैं और शासन प्रशासन द्वारा विभिन्न रूप से हम लोगों को दबाव दिया जा रहा है, लेकिन हमारे समस्त तटस्थ साथी इस पर अडिग हैं। वो शासन के किसी भी दबाव को नहीं मानेंगे और हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। नाम बताओ। सूर्यकांत श्रीवास्तव, सचिव ग्राम पंचायत मगरपुर।